बच्चे और बच्चों की नानी है घर पे, बच्चे अभी सो रहे हैं, 9:30 हुई है, मैं अभी निकल रही हूँ, मेरे पास स्कूटी है तो आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी। और आज मैंने एक कुर्ता नया वाला पहना है, 1 घंटा तो मैंने लेग ही ढूंढी है, तो फिर मैंने ये येलो वाली पहन ली, रेड वाली मुझे मिली नहीं, कहाँ रख देती हूँ पता ही नहीं चलता। सो जा वापस सो जा। तो मैं निकल रही हूँ, आपको आवाज आ रही होगी, मम्मी मेरी वीडियो देख रही है इस रूम में बैठ के, आधा घंटे से बैग ले लूँ, मैं सामान लेके आई हूँ और तुम लोगों ने पूरा बिखेर दिया। जी दूध मम्मा, फ्रीज में रख दो, ये टूटते टूटते बच्चे हैं। और क्रीम रोल दो मुझे खाना, ज्यादा भूख लगी होती क्रीम रोल। मम्मा मैं बताता हूँ, दीदी को पता है वहाँ पर मैंगो का जूस मिल रहा था, आप आग ले जाओगी? नहीं मम्मा। हाँ मम्मा, ये अंगूर धोने तो इसको उस टोकरी में रखो, और ये माता का जो मेरे खरबूजे धोने हैं, नहीं टमाटर धोने हैं, और ये जो चीज बोली वो वहां रख दो। मैम तो तेरे वाले लेने भी नहीं वाली थी, मैंने कहा के आगे जीत है बेटा। ये बच्चा कह रहा है मैं इनो बना रहा हूँ, आप रेसिपी का वीडियो बनाओ। डर के आगे जीत होती है। इतना सारा पानी पी लेगा, कम कर, डर के आगे जीत, पानी कम कर बावड़े, इतना पी लूंगा मैं, नहीं नहीं एकदम पी पी भी जो बोल तो इनके हम हाथ से लपेट दूं। डर के आगे जीत है, और इनो पी के जीतम जीत है। ना ना जरूरी था। ऊपर गिर रहा है। आज अपने वीडियो वगैरह का काम कंप्लीट करने के बाद जल्दी निकलना है, क्योंकि इन बच्चों के स्कूल जाना है, इनका आज रिजल्ट है तो पीटीएम में जाना है। 8 बजे से 11 बजे तक इनका टाइम दिया हुआ है, तो पहले मैं वहाँ चली जाऊँगी, फिर अपने स्कूल चली जाऊँगी। तो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। और फिर बताती हूँ कि इस बार बच्चों का रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि इस बार इन्होंने रेगुलर पढ़ाई भी की है, ट्यूशन भी गए हैं, और मैडम भी अच्छा पढ़ाती है ट्यूशन वाली। तो देखते हैं कि स्कूल की जो स्टडी का पिछली बार जो रिजल्ट आया था, स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाया, और इस बार थोड़ा हमने घर पर जो एक्स्ट्रा किया उसमें कितना डिफरेंट रहता है, तो ये पता चलेगा। क्योंकि जब हम जा रही हूँ बच्चों, चल दे दे मेरी है? नहीं मैं जा रही हूँ तो स्कूल, तो और सीधी कहाँ निकलू? हाँ सीधी जाऊंगी, घर आऊंगी, मेरी बस ना चूक जाएगी, अब 20 मिनट बचे हैं मेरे पास, चलते हैं भाई, रेडी होली है, थोड़ा टाइम हो चुका है तो भागते हुए जाना पड़ेगा। ये मेरे झुमके स्ट्रेस पे थोड़ी बहुत मैच हो रहे, नहीं कोई बात नहीं। तो मेरे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं वापस जाऊंगी, बच्चों को मार्कशीट दे के फिर जाऊंगी, क्योंकि बच्चे वेट नहीं कर पाएंगे, बोल रहे थे सीधा मत जाना, हमें बता के फिर जाना, तो मैं रिजल्ट उनको थमा के चली जाती हूँ। तो रिजल्ट आया था बच्चों का कल सुबह, मैं लेके आई थी, फिर बच्चों को देख के मैं स्कूल चली गई थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम तो मिला था फ़ोन देखने बैठ गए। तो अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली का जो रिजल्ट रहा था उससे कई गुना ये एक चप्पल ऐसे हैं जो इधर ही रहते हैं, मैं ना 8 बार इसको यहाँ खोलती हूँ ला के, और वो वहाँ खुल जाते वापस। दो दिव्या वो चप्पल इधर ले आए, वो बहुत लाड के हैं, लेकिन अब क्या करें। तो है ना, हाफ ईयरली का रिजल्ट तो मैंने आपको कहा था कि ठीक ठाक नंबर आए, मैंने सुना ही नहीं आपको, लेकिन ठीक ठाक बोला था। बाकी उस टाइम हालात कैसे थे आपको पता ही है, मार्च अप्रैल मई जून कैसे बुरे निकले थे, खतरनाक वाले, कहीं हम गलियों में पड़े थे, कहीं फर्श पे सोते थे, घर में बर्तन नहीं था, घर में कुछ भी नहीं था, और मतलब बच्चे भी है ना कई दिनों तक तो बिना कूलर की हवा के पंखे के हवा में मच्छरों में सो रहे थे। तो उस टाइम में ना बच्चों का भी पढ़ने में इतना मन नहीं था, ट्यूशन भी नहीं लगा रखी थी, 2-3 बार लगाई जो कि छुड़वा दी, छूट गई थी। तो अब आपको बताती हूँ, सारा ही बता देती हूँ कि जो हाफ ईयरली का रिजल्ट था वो तेजस का रहा था 60%, और दिव्या तेरा कितना रहा था? 72% रहा था। अब हम बात कर ले हैं अभी ईयरली एग्जाम जो टर्म 2 आता है, तो इसकी बात करें तो दिव्या का रहा है, दिव्या के मार्क्स आए हैं, एक में आए हैं 86, बाकी सारे 90 से एबो है, तो ऐसे मिला के
टोटल कितने हुए तेरे? 86. एक में 87 आए हैं और एक में 75, मतलब दो सब्जेक्ट कम आए, संस्कृत में कम आया, तो ये मिला के बाकी वालों में 90 से अब वो आए हैं, तो टोटल मिला के 86 बने थे. दिव्या के अभी टेम्पो इतने आते रहेंगे कैसे बोलूँगी. हाँ तो दिव्या का रहा है 86, तो सबसे अच्छे नंबर आए हैं इसके एनवायरनमेंट में. अच्छा काम से आ गया बीच में. दिव्या के सबसे अच्छे मार्क्स रहे हैं इसमें हिंदी में और कंप्यूटर में और सोशल साइंस में और इंग्लिश में. मैथ्स का है? मैथ्स में कहाँ गई मैथ्स? मैथ्स में 90 है ना, और का मिस्टेक 90 है ना. चलो ये तो था दिव्या का जो अच्छा था, मतलब उसके मुकाबले बहुत ही अच्छा था. और ट्यूशन भी इतना नहीं गई थी, ठीक है. बीच में मैडम ने 2 महीने बंद करा दिए थे क्योंकि खुद के एग्ज़ाम थे. मैडम खुद है ना सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम दिए हैं, और पहले वो भी स्कूल जाती थी, अब उन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की तो स्कूल छोड़ दिया है. तो बस मैडम का ये मैं बैठी हूँ सामने, यहाँ पर ट्यूशन जाते हैं बच्चे, इतना दूर ही है, अच्छा पढ़ाती है और बच्चों को मैडम पसंद आई हुई है, वैसे ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए. और इसके अलावा वैसे ये होता है कि घर से जब बच्चे कुछ अच्छी पढ़ के जाते हैं और बच्चों का रिस्पांस अच्छा होता है ना, तो टीचर भी फिर उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दे पाते हैं. तो शायद इस वजह से, इस ट्यूशन की वजह से और घर पे बच्चों की पढ़ाई की वजह से थोड़ा स्कूल वालों ने भी ध्यान अच्छा दिया है. हम भी ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले, जो बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, हज़ार बार कहने पर भी नहीं पढ़ते, नल्ले होते हैं, निकम्मे होते हैं, उनको फिर हम भी परेशान होकर कुछ 1-2 साल परेशान कर, मतलब कोशिश करते हैं, फिर भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम मतलब उनको छोड़ देते हैं, भाई के पढ़ना है उतना पढ़ो, कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं है. और जो बच्चे खुद से एफर्ट्स लगाते हैं और खुद मेहनत करते हैं और घर से जो कहते हैं वो याद करके आते हैं, घर से भी पढ़ के आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी करके आते हैं, तो उन पर हम भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं. तो उन बच्चों को मतलब डबल फ़ायदा होता है, वो घर से भी पढ़ के आते हैं और जो ज़्यादा पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो भी उनका फ़ायदा है और टीचर भी उन पे ज़्यादा ध्यान देती. तो यही हुआ इस बार, ये ट्यूशन से कुछ अच्छा कर पाए तो शायद टीचर्स, स्कूल टीचर्स ने भी अच्छा ध्यान दिया है. तो अब देखते हैं यहाँ पर तेजस का, तो तेजस ने तो इस बार 56 फाड़ के मार्क्स लाया है, बहुत ही अच्छे लाया है. मतलब वहाँ जैसे हाफ ईयरली में उसके सिर्फ 60 थे, वो भी मुश्किल से, वहाँ पर अभी इसके टोटल मिला के 94 बने हैं, बहुत ही अच्छे. 94 एक ज़्यादा है, 94 है, जिसमें इसने सारे ही 92 एबो है सब में, जैसे कंप्यूटर में 93 और मैथ्स में 91. वैसे मार्क्स नहीं बताने चाहिए लेकिन थोड़े अच्छे आए तो मेरा बताने से रहा नहीं जाता, बाकी है ना बच्चों को इतना मार्क्स से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बता देते. और इसके बाद एनवायरमेंट में 97.5. ये जो ईयरली एग्जाम है ना, इसमें इसके फुल मार्क्स आए थे एनवायरमेंट में, और इसमें बच्चे एक आता है लगता है, तो हिंदी इसको बहुत अच्छी लगती है. तो हिंदी में इसके 97.5 और इंग्लिश में 93.5, तो सब में A1 आया है. इस तरह के इसके ग्रेड आए हैं, तो मतलब ये तो ठीक है कि कुछ महीने ट्यूशन गए हैं और अच्छी पढ़ाई की है. अगर साल भर से अच्छी होती तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता, तो अगले साल के रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं रहेगा. और अब वो काफ़ी सीरियस हो गया पढ़ाई के बारे में, मतलब काफ़ी सीरियस, मुझे पहले से कह रहा था मेरे बहुत फुल मार्क्स आने वाले हैं, फिर मैं ऐसे ऐसे ला के आपके मुँह के ऊपर ऐसे मार्क्सशीट मारूँगा, फिर आपको नंबर देखने में बूझ आ जाएगी, ऐसे बोल रहा था. तो अगले साल कोई मुझे इतनी टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ट्यूशन मैडम है ही और स्कूल तो है ही, बाकी कोई प्रॉब्लम हो कि हमें फिक्र है नहीं, दुनिया भले कुछ करती रहे, करने दो, हमें क्या करना. तो इस तरह हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या रहता है. और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार बच्चों ने, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपने देखा ये क्राफ्टिंग में लगे होते हैं या फिर खेल रहे होते हैं, मतलब पढ़ते हुए आपने वीडियो नहीं देखा होगा, मेरे वीडियो में आपने बच्चों को कम ही पढ़ते हुए देखा होगा. लेकिन देखो जैसे स्कूल से आते हैं, स्कूल से आके होमवर्क करते हैं और फिर कुछ खेलते हैं जो भी करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, 2-1.5 घंटा ट्यूशन पढ़ते हैं और फिर वापस आके क्राफ्टिंग करते हैं, तो फिर मतलब 2-1.5 घंटा ट्यूशन चले जाते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर उसके अलावा उसके भी एक्स्ट्रा, इतने छोटे बच्चों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, ज़्यादा प्रेशर नहीं था. प्रेशर उन बच्चों पर डाला जाता है जिनके 10th 12th एग्ज़ाम हो बोर्ड के, 7th के 4th के 3rd के बच्चों को अपने मन से खुला छोड़ के पढ़ाना चाहिए. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरे दिन बच्चों पर किच 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 नहीं करना चाहिए, ये एक सरकारी टीचर ही जान सकती है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है. ऐसा नहीं कि उन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उनके पढ़ने के प्रति जो रुचि है ना वही खत्म हो जाए, बिल्कुल उनको एलर्जी हो जाए पढ़ने में, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना.
और ऐसा मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ भी नहीं करती, इसलिए बच्चे मेरी क्लास में बहुत इंजॉय करते हैं। मैं पहले 35 मिनट में से 15 मिनट मेहनत करूं, लेकिन बच्चे 35 मिनट ही बिजी रहते हैं। और मैं क्लास में जाती हूं ना तो बच्चे सोचते हैं आज पता नहीं क्या क्या अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसमें है ना मैं जब पढ़ाती हूं ना जो बातें पढ़ाती हूँ उनको रियल लाइफ से रिलेट करती हूँ। जब रियल लाइफ से कोई चीज़ रिलेट करते हैं ना अपने नॉर्मल लाइफ से, तब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं जो पढ़ा रही होती हूँ उसको मैं उनके घर में ले जाती हूँ, उनकी फैमिली से जोड़ देती हूँ, उनके परिवार से अढ़ानियों में जो भी बातें होती हैं उनसे जोड़ देती हूँ, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा। हाँ मैं मतलब जहाँ कोई आधे घंटे के पीरियड में, नॉर्मल टीचर आधे घंटे के पीरियड में हो सकता है आधा पार्ट पढ़ा दे, आधे से ज़्यादा पढ़ा दे, कभी कभार एक भी पढ़ा दे, लेकिन मेरा 10% या 15% ही हो पाता है, लेकिन जो होता है वो बच्चे याद कर लेते हैं। मैं बच्चों को ये नहीं कहती तुम बस बुक में देखो, एक भी ऐसी नज़र चूकनी नहीं चाहिए, मैं ये कहती हूँ तो बुक बंद रखो, बस मेरी शक्ल देखते रहो, आपस में बात नहीं करोगे और इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं देखोगे, तो फिर बच्चे पूरा सुनते हैं। और हर चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट करके कैसे करके उसको थोड़ा रियली रियल रूप देने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगा बच्चों को, ऐसे ही नहीं आएगा। तो ये है मेरा कुछ हाई लेवल का ज्ञान जो आपको समझ में कम ही आया होगा, लेकिन मेरे बच्चों पे ये मेरा ज्ञान वर्क करता है, मेरे स्टूडेंट पे वर्क करता है, और बाकी मेरे बच्चे खुद तो सेल्फ वर्क तो करते ही हैं, इसलिए ये रिजल्ट रहा इस बार अच्छा रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्या, ठीक है। और दिव्या को तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलम भी ज़्यादा ही करने पड़ते हैं, कुछ घर पर कुछ पता नहीं कहाँ पर, फिर भी नंबर अच्छे हैं। तेजस तो मतलब पढ़ अच्छा लेता है, टाइम पे होमवर्क करना, एक दो बार शिकायत भी आई थी इस साल, लेकिन शिकायत के बाद वो उसने सुधार कर लिया था अपने आप में, और फिर तो इतना सुधार किया था कि क्या बताऊँ, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया। ओके बाय, वीडियो लाइक और चैनल न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।